लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज में यही हॉस्पिटल है जो अतीक अहमद यहाँ तो अंदर जाता है जिंदा, लेकिन जिंदा वापस लौट के नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे उनके साथ थी। परसों और कल में बहुत सारा अंतर था, और वो दिखाते हैं जब घटना घटी फर्जी पत्रकार के द्वारा ये दिखाई। यहीं पे ये ब्लड है, ब्लड को क्या ओवरलैप कर दिया गया, और ये जो निशाना देख रहे हैं सारे निशाने हैं, 14 है, 13 है, 23 है, 24 है, ये सारे निशाने ये सिंबल हैं कि जब वो अपराधी जब गोली अतीक के अहमद पर चलाया तो उस समय उसकी जो डमी कैमरा था, पिस्टल था, सारे जो उससे रिलेटेड सामान थे वो सारे रिलेटेड थे। लेकिन उस समय जब घटना घटी थी उस समय घटना के चश्मदीन गवाह जो है, उस गवाह यहाँ पर आप देख रहे हैं सुलभ कॉम्प्लेक्स है, इसी कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले व्यक्ति हैं जो चश्मदीन गवाह है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शरीफ अहमद। आप उस समय प्रेजेंट थे आप? जी हाँ। क्या हुआ था उसमें, क्या क्या हुआ था? सब उस समय परसों के टाइम आए थे ये मेडिकल कराने, तो प्रशासन बहुत थी, मेरे आँख की देखी बात बता रहा हूँ, परसों की बात। और उसके बाद जब कल आए तो प्रशासन 8-10 मुश्किल से थे, एक गाड़ी खाली आई और दूसरी में प्रशासन भरे थे, मतलब 8-10। उसके बाद जब गाड़ी से उतरे हैं तो उतरते मान एकदम कोई प्रशासन नहीं है, सिर्फ 8-10 से 8-10 प्रशासन। हाँ, लेकिन परसों तीन बहन थी, कल दो बहन थी। दो बहन क्या? दो गाड़ियाँ थी पुलिस की। हाँ, दो गाड़ी बढ़ी आई है। हाँ, दो गाड़ी थी, एक खाली थी, एक 6-7 पुलिस थी। हाँ। तो लगभग 10 पुलिस थी टोटल। हाँ। तो लगभग मैं अपनी आँख से देखा, मैं अतीक जब अंदर आने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे आया कि लाओ थोड़ा मिल लें, भाई चक्या रहने वाले लाओ देख लें। और जब पीछे आने लगे उतने में एक बदमाश उनका अंगोछा टेढ़ा मतलब ऊपर करके गोली मारा, तो मैंने पहले हाथ से मारा ऐसे। हाँ, गोली मारा ये मत्थे पे। हाँ। और मैं जल्दी से झुक के भागा शौचालय में। हाँ। आप भागे उसमें? जी हाँ भागा। हाँ। और गोली चलाते हुए आप देखे आपने? गोली चलाते हुए देखा। हाँ। और उसके बाद में ये जो गोली मारा था वो अंदर की ओर भागा। हाँ। के अंदर की ओर मतलब कि अस्पताल की तरफ, तो प्रशासन एक जो थे वो पकड़ ली। अब गोली कोई चला भी नहीं रहा, प्रशासन को चलाना चाहिए। अच्छा, उसमें प्रशासन कुछ नहीं, प्रशासन कर क्या रही थी? क्या कर रही थी? अपने आप को बचा रही थी। और एक जो पुलिस वाले थे पकड़ लिए उसको, और कोई गोली चलाया भी नहीं, और कोई पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई। कोई गोली नहीं। ये हैरत की बात है कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चलाया जा रहा था, ना उसे पकड़ने की कोशिश किया जा रहा। जिस समय फायरिंग कर रहा था अपराधी, जब फायरिंग कर रहा था उस समय तकरीबन कितने फायरिंग हुए होंगे? लगभग 30-35 फायरिंग हुए। 30-35 फायरिंग हुए। 30-35 फायरिंग के पीछे पुलिस कोई फायरिंग नहीं कर रही? कोई नहीं कर रहा। मैं खुद उठ के खड़ा हुआ, और उसके बाद में ये हालत देखा कि अतीक फट से गिरे, और उसके बाद में अशरफ उसी टाइम गिर गए। अच्छा, अतीक के गिरने के बाद अशरफ को भी गोली? क्योंकि तीन थे, एक अतीक के बगल में खड़ा होकर मारा और एक सामने एक मारा, मेरे आँख की देखी बात बता रहा है। और वो फटाफट गोली चलाया, तीनों गोली चला रहे थे। जी हाँ, तीनों गोली चला रहे थे। तो ये हुआ कि वो गाड़ी से आए थे, और गाड़ी यहीं खड़ी थी ये सामने यहाँ पे गाड़ी। जी हाँ, नहीं ये अपराधी की वाली, अपराधी की। हाँ, कौन सी गाड़ी थी? मोटरसाइकिल थी, और इस टाइम सागन में मौजूद है वो गाड़ी, उठा लेगा पुलिस वाले। तो गाड़ी तो गाड़ी, और वो उसको पकड़ ली, तो उसको कोई प्रशासन नहीं मारा, बन पैर में, हाथ में, जिस्म में, मारना चाहिए अपराधी को, मारना चाहिए वसूल है। हाँ, नहीं मारा। मैं ये हैरत में हो गया, देखो जो मारने के बाद में कह रहा जय सिया राम, जय सिया राम, ये नारा उनका है जय सिया राम बोलने का। तो उनको बड़ी खुशी हुई कि हमको पकड़ना है, मारना है, मार दिया, अब हमारे साथ जो होना था ये सब कोई सियासत चला है। ये मैं अपनी आँख की देखी बात बता रहा हूँ, और मैं शरीफ अहमद बोल रहा हूँ। ये चश्मदीद गवाह थे, शरीफ अहमद थे, ये आंखों देखी हाल बता रहे थे, और सारा घटना आप वहाँ अंदर से देख रहे थे? नहीं, एकदम यहाँ वहीं पर। हाँ, गेट पे खड़े थे, फौरन गेट बंद कर लिया। अच्छा। सब देख रहे थे अंदर से, आप देख रहे हैं? तो यहाँ देखा। अच्छा, ये घटना कितने देर तक चली है? लगभग 10 मिनट मुश्किल से। 10 मिनट में सारे काम तमाम हो गया? हाँ, 10 मिनट में सारा काम तमाम हो गया। जी हाँ, सब खत्म। और ये जब गोली लगी थी तो उसी समय स्पॉट डेट कर गए थे ये? उसी टाइम गिर गए दोनों भाई। एक तो बगल में खड़ा को मारा, और जब इसने मारा तो सामने वाला ने चलाया सीने पे,
फटाफट चलाया। अच्छा, ये हाँ गोली जो चली अतीक अहमद पर, पहले सर में गोली लगाई, गोली अतीक अहमद को कितनी गोली मारी गई? उसने दो मारा है यहाँ, एक जिस्म में, एक पैर यहाँ, एक सीने पे मारा है, यहाँ पे मारा। हाँ। और उसके भाई को, अशरफ को, अशरफ को वो सामने वाला मारा है, सामने वाला सीने पे, ये सीने पे मारा। कितनी गोली मारी होंगे? यहाँ भेजे में मारा है, अशरफ को भी भेजे में मारा, भेजे में मारा है, सीने पे मारा है, सामने वाला। हाँ, सामने मारा है जी। हाँ, ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये चश्मदीन गवाह हैं जो उस समय घटना घट रही थी, और ये घटना को देख रहे थे डर से। ये अपने ये शौचालय हैं, शौचालय के अंदर ये छुप जाते हैं और वहाँ से ये सारी घटनाओं को देख रहे हैं। इनका कहना है कि जब घटना चल रही थी तो उसमें पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहे थे, कि पुलिस का इधर उधर भाग रहे थे और ये कोशिश नहीं कर रहे थे उसके पैर में गोली चलाए, गोली मारे, सीन ले रहा था। तो अतीक अहमद, वही अतीक अहमद जो यहाँ जिंदा वापस आते हैं, लेकिन जिंदा लौट के नहीं जाते हैं मात्र 10 मिनट में। और आपको बता दें फर्जी पत्रकार के बारे में, फर्जी पत्रकार एक दिन पहले भी जब उसके बेटे का जब संस्कार वो क्रियाक्रम हो रही थी, उनकी दफनाया जा रहा था, तो वहाँ भी वो शामिल था और वहाँ भी कुछ हुज्जत कर रहे थे लोग, वहाँ भी शक के निगाह से देख रहे थे, लेकिन इस बात को नोटिस नहीं किया गया कि वही अपराधी है। और वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ आकर यहाँ मौका मिला। कल जो है, परसों तीन बहन थी और कल दो ही बहन थी। कहा जा रहा है कि कल की जो उनकी सिक्योरिटी थी, उन पुलिस प्रशासन कम थी, और पुलिस प्रशासन कम होने के वजह से इनके सिक्योरिटी में ढील है। ये सवाल उठ रहा है कानून पे, कानून के ऊपर सवाल उठ रहा है। अब अतीक अहमद बार बार रो रो के कह रहा था कि मुझे मेरे अपने पुत्र के संस्कार में जाने दो, मेरे पुत्र का जो क्रियाक्रम हो रहा है उसमें शामिल होने दो, लेकिन उसे शामिल नहीं होने दिया गया। अब है कि अतीक अहमद की मौत यूपी पुलिस प्रशासन पर अब एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अतीक अहमद की मौत कैसे हो गई? अतीक अहमद को तीन अपराधी, तीन फर्जी रिपोर्टर आकर के कैसे उसे मौत के घाट उतार दिए? सिर्फ नाक आपकी जो जगह है, ये बहुत ही पॉश जगह है, जंक्शन के जस्ट बगल में है, यहाँ से सभी पुलिस प्रशासन के हेडक्वार्टर सभी आसपास में ही हैं। और अभी आप सिक्योरिटी देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। अभी अतीक अहमद का पोस्टमार्टम रिपोर्ट चल रहा है, शायद अतीक अहमद यहाँ भी, अतीक अहमद को यहाँ भी ले जाएगा, यहाँ से फिर ले जा करके उनके जो गाँव है, उनके मोहल्ले, वहाँ जा करके उनकी जहाँ पुत्र की जो जहाँ दफनाया गया था, वहीं पर उनके पिता को भी दफनाने की संभावना, पिता और चाचा की। तो ये है अभी तक के हकीकत, ये सच्चाई आपको मैं दिखा रहा हूँ। ग्राउंड रिपोर्टिंग प्रयागराज से, प्रयागराज के उस हॉस्पिटल से जहाँ से अतीक अहमद की मौत हुई, हत्या हुई। मैं शंभु कुमार, कैमरा राजेश के साथ, द लाइव न्यूज प्रयागराज। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।